तो यहाँ पर भैया जी आ गए झंडा लगाने के लिए। हर घर पे लग रहा है झंडा, तो इतना सारे झंडा लगा रहे हैं पूरा, मतलब गांव में ढांकापुर, दौदापुर और राजेपुर, तीन गांव है ना, तो यहाँ पर तो अभी ढांकापुर में पूरा लग रहा है। अभी तो है गाइस फाइनली हमने तिरंगे को लगा दिया है, और आपने वीडियो देखा ही होगा, ये भैया शूट कर रहे थे, हमारे महाराज भैया। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं आज रेडी हो गया हूँ, तैयार हो गया हूँ। तो एक पोपट हो गया यार, आज सुबह ही मेरे जो मोबाइल थी वो एकदम क्रैक हो गई है। मैं हैपर स्लैब बना रहा था, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो गिरा, वो भी शायद सीन रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि हैपर स्लैब चल रहा था 64X में, तो शायद ना दिख। तो आज है फाइनली रक्षाबंधन, तो हैप्पी रक्षाबंधन। तो अभी बुआ जी हमको बांधेंगी, उसके बाद आने के बाद स्कूल से तो दीदी बांधेंगी। My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left. तो गाइस जो है कुछ इस प्रकार से मेरी मोबाइल जो है हैपर स्लैप में गिर गया और पूरा चकनाचूर हो गया यार। तो आज सुबह सुबह गाइस पूरा पानी ये देखिए खत्म हो गया यहाँ पर, ये इधर साइड पानी इतना सा है, हम नहाना है उसके बाद स्कूल जाना है, तो बिल्कुल पानी नहीं है भाई, आज पूरा टंकी में पानी खत्म हो गया। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल जो है बहुत क्रैक हो गई है और क्लीन ले नहीं पा रहा है, क्योंकि कैमरा उतना अच्छा है ही नहीं, ये दीदी की मोबाइल से मैं बना रहा हूँ, तो पूरा ऐसे ये डिस्प्ले गिरा, और उसके बाद देखिए इसका ये वाला भी टूट गया पूरा। अब ये फटाक से ऐसे निकल जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। डॉगी भी आ गया है, और ये डॉगी, दो डॉगी, ये तीसरा, यहाँ पर सब आ गए हैं भैया। एक कुत्ता भैया दूसरे कुत्ते को भी यहाँ पर खिला रहा है, ये वाला पहले उधर साइड भी चल रहे भैया नहाने सुंदरम के, यहाँ पर पानी हमारे यहाँ पर पूरा फाहा हो गया है, और मोबाइल की डिस्प्ले उड़ गई है पूरा खत्म, और पतन कैसे बन जा रहा है, मतलब कि अब उसको भैया फिर से पोपट हो गया। तो इधर साइड देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर जो बुआ है हमारी, इसको पूरा तैयार कर रही है थाली को, और अभी ये बात करके चले जाएंगे घर, तो मतलब थोड़ा सा जल्दी है इनको, तो हम भी चलते हैं भैया बता लेते हैं उसके। तो अभी जो है गाइस मैं फाइनली आ गया हूँ स्कूल से, और आज हमारे इधर मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। तो जो बुआ थी आपने सुबह देखा ही, ये बुआ जो है वो राखी बांध के चली गई, और यहाँ पर ये देखिए इनकी दीदी आई है, तो इनके जीजू एक स्कूटी लाए हैं, स्कूटी से आए, तो ये जो बच्चे हैं पूरा एकदम आतंक मचा के रखे हैं, पूरा स्कूटी को लेकर भगा रहे हैं पूरा, क्या मतलब मना भी नहीं कर सकते ये सब देखो स्कूटी लेकर ये सब निकल जा रहे हैं कहीं पर भी, छोटी बच्ची भी जा रही दीदी की, यहाँ पर देखो ये इन सब के एकदम देखे हालत खराब, वो सब गए भैया। तो और एक चीज आपको गाइस बताना है, अभी हमारे गांव में जो है जैसे एक नलका था, आप नलका भी पेंट हो रहा है यानी तिरंगे कलर का, आपने देखा ही, मैं अभी एक फुटेज और दे दूंगा। तो पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि भैया नलका जो है वो पेंट हो रहा है, तो वो आ रहा है भैया, और अभी जो है हर घर पे लग रहा है तिरंगा, तो भैया आ रहे हैं, मैंने रास्ते में भी मैं उनसे मीट किया, तो वो आ रहे हैं, तो अभी घर पे लग रहा है तिरंगा के, मतलब कि एक फ्लैग लग रहा है तिरंगे कलर का, मतलब तिरंगा ही लग रहा है जी फ्लैग, तो हर घर पे लग रहा है, तो अभी वो आ रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अभी यहाँ पर हर घर पे झंडा लग रहा है, तो यहाँ पर भैया जी आ गए झंडा लगाने के लिए, हर घर पे लग रहा है झंडा, तो इतना सारे झंडा लगा रहे हैं पूरा, मतलब गाँव में ढांकापुर, दौदापुर और राजेपुर, तीन गाँव है ना, तो यहाँ पर तो अभी ढांकापुर में पूरा लग रहा है, यहाँ पर हमारे घर जा रहे हैं लगाने भी। सुंदरम के यहाँ पर भी झंडा लग गया, हमारे यहाँ पर भी झंडा लग रहा है भैया, यहाँ पर लगा रहे हैं पूरा नेक्स्ट लेवल का, इधर साइड कोई दम है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हाथ जिंदा तू भाग मेरा। पूरा यहाँ
यहाँ पर नेक्स्ट लेवल के यहाँ पर पूरा लगाया जा रहा है, पूरा हर घर पे लगाया जा रहा है, मतलब कि घर गांव में लगभग जो भी है फैसिलिटी ये सारी चीजें दी जा रही है। तो अभी जो है गाइस फाइनली एक झंडा लगी गया यहाँ पर, दिखाओ भाई यहाँ पर, अभी सुंदर भैया ब्लॉगिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और हवा बहुत तेज से चल रही है इसीलिए मैं माइक लगा के कर रहा हूँ, तार फंस जा रहा है भाई इसीलिए ज्यादा दूर नहीं। तो अभी जो है मैं एक झंडा और मांग लिया हूँ, बहुत जोर जबरदस्ती से तो दे नहीं रहे थे भाई, कहें कि दो दो झंडा एक घर पे नहीं अलाउ नहीं है, तो बहुत मतलब कि रिक्वेस्ट करके तो वो दे दिए भाई। तो यहाँ पर जो है सत्यम भैया लिए हैं, ये सत्यम भैया, और इस डंडे में चल रहे हैं हम सब लगाने के लिए इस डंडे में, और ये है भैया अस्त्र पूरा, आप चल रहे हैं इसको लगाएंगे वहां पर उधर साइड चल रहे हैं लगाने के लिए। तो फाइनली गाइस लगाते हैं और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर सत्यम भैया काट रहे हैं इसको, डंडे को एकदम बढ़िया बना रहे हैं, और इस सरिये में लगाएंगे, इस वाले सरिये में, यहाँ पर ये वाला जो सरिया है तो इस सरिये में अब लगाएंगे झंडा बड़ा सा, और रोज ब्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो यहाँ पर 15 अगस्त आ रहा है भाई, अब मज़ा आ रहा है इस साल तो, नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आ गई भाई, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की, कि भैया जो नलके हैं वो भी पेंट जा रहे हैं, और घर घर पे भैया तिरंगा, क्या क्या मतलब है भाई, मज़ा आ गया भाई। तब इसको भैया बांधेंगे, ये है क्योंकि अब ये तो निकल के फुर हो जाएगा, इसलिए ये है भैया इसमें अस्त, अब बांध लेते हैं भाई ये। घर बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम नए एक नंबर का घर अब लग रहा है पूरा, मतलब कि एक माहौल बन जा रहा है भाई। वाह क्या सीन है, हमारे दांत क्या है तलवार, तो गाइस अब चल रहे हैं भैया हम यहाँ पर लगाने तिरंगा, यहाँ पर बांधने चल रहे हैं एकदम नेक्स्ट लेवल का। अपने आप अपने देश से प्यार करते हैं, आप थोड़ी सी आपके अंदर पेट्रियोटिक की भावना है देशभक्त का, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और एक लाइक तो, और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूल।